उप मुख्यमंत्री जी आए, अभी भी आए हुए थे थोड़ी देर पहले, एक डायलॉग जरूर मारा उन्होंने, वो जनता के समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि जी लोहा गर्म है और चोट की जरूरत है, और कौन सी साइड कह के जनता के समझ में नहीं आया। नहीं क्या पता मैं बीजेपी आया दौर जाऊं तो नूगा कांग्रेस का चोट कर दो, और कांग्रेस आया कहीं जाऊं तो नूगा बीजेपी का चोट कर दो। यो बता तो दो लोहा किसका है, चोट कौन सी साइड करनी है। चोट तो मैं मार सकूंगा और तो किसे भी लग देंगे। मनोहर लाल जी कह रहे थे बोला जी भव्या बिश्नोई जी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, जो 26 साल का 25 साल का जो बनवास कटहनी सारे पूरे कर दूंगा 2 साल में। आप कैसे करेंगे, आप तो सत्ता से विरुद्ध हो। मुख्यमंत्री जी तो सर नाम भी कौन जानते, भव्या ने देवा कहा है। अनिल विज जी आए हुए थे, उन्होंने सीधा कहा जी भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर ना 3-4 केस चल रहे हैं, वो तो बस जेल के अंदर जाने वाले हैं, बस थोड़े दिन तक दिन गिन रहे हैं। आप 2024 के अंदर सपना ले रहे हो कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो नहीं मुख्य बनते, मुख्यमंत्री बनते 2029 तक। कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जी हमारे पास में, और तारीख आज 1:05 बज चुकी है, यानी कि प्रचार और प्रसार अब बंद हो चुका है। अब कैसे करेंगे वो इनका काम है, लेकिन एक खरा सवाल पूछ लेता हूँ। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। और जनता का सवाल है एक बोला जी मैं कोई भी कड़ी बात आपसे पूछ लू, 2 मिनट में हंसते हंसते उत्तर दे दो, कड़ते टोके लाओ। जो जनता का आदमी होता है, जनता के बीच में रहता है, तो उसने सवाल टोके नहीं लाने होते, उसके जहन में हर सवाल का जवाब होता है। आपने कुलदीप बिश्नोई लग पलटू राम कहा था, मेरी कल रेणुका जी से मुलाकात हुई, मैंने आपका सवाल उनके समक्ष रखा, बोले ना जी कुलदीप जी पलटू राम नहीं है, पलटू राम तो जी जो है वो उनका नाम जयप्रकाश जी है, पहले तो जी कांग्रेस छोड़ी, फिर निर्दलीय विधायक बन गए, अब दोबारा फिर कांग्रेस में आ गए, फिर टिकट ले ली, पलटने का काम तो आप करते हैं, कुलदीप बिश्नोई जी नहीं करते। मैं रेणुका जी का, क्योंकि मैं किसी भी महिला का जवाब देना पसंद नहीं करता, अगर इसके बात का जवाब मेरे से कुलदीप बिश्नोई लेते तो बहुत बेहतर होता। मैं बताता, कुलदीप के लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, रेणुका जी के लिए पहले हज कांग्रेस, फिर हज का, फिर भाजपा के साथ गठबंधन, फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन, फिर जो इंडियन नेशनल लोक दल ईब है, हाँ जी बसपा के साथ हो लिया इंडियन नेशनल, इसके सहयोग से नहीं, इंडियन नेशनल लोक दल का कब हो गया? ये जो अभय सिंह चौटाला का दल है ना, इसका हमेशा से ही इस परिवार के प्रति स्नेह रहता है। वोट की नहीं बात है, इन्होंने तो बात इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जितना नुकसान हम पहुंचा सकते हैं और कुलदीप बिश्नोई को जितना फायदा हम कर सकते हैं, इनका तो केवल वो काम है। कुरडा राम जी इसी बात से नाराज हो रहे थे, कल आप जाके बोले बोला जी कुरडा राम वाले वोट भी मेरे लग दे दो, अब उनके वोट तो ना छीनो, कम से कम जो ले रहे हैं ले रख दो। कुरडा राम मेरा साथी है, वो एक साजिश के तहत साजिश का शिकार हो गया, अगर कोई किसी का साथी इस तरह का साजिश का शिकार हो जाए तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा कुरडा राम जी को मैं वापस कांग्रेस में लेकर के आऊँगा। मैं कुरडा राम जी का कसूर नहीं मानता, उन साथियों का कसूर है जिन्होंने इस जाल में उनको फंसाया, क्योंकि लोक दल के बारे में सब जानते हैं। भाई एक बताओ, मैं तो कल आदमपुर बाढ़ समिति में भी कह करके आया हूँ, अगर कुरडा राम जीतता दिखाई दे तो कोई बात नहीं, उसको वोट देने चाहिए, जब वो केवल वोट जो लोक दल को वोट जाएगा सीधा फायदा कुलदीप बिश्नोई को होगा। जनता चाहती है कुलदीप बिश्नोई की गिरदावरी तोड़नी, तो जनता, मैंने कोई गलत नहीं कहा कि जनता का स्वभाव बन गया है, जनता के जहन में आ गया है कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार की गिरदावरी तोड़ने के लिए जयप्रकाश को वोट देना चाहिए। कल उप मुख्यमंत्री जी आए, अभी भी आए हुए थे थोड़ी देर पहले, एक डायलॉग जरूर मारा उन्होंने, वो जनता के समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि जी लोहा गर्म है और चोट की जरूरत है, और कौन सी साइड कह के जनता के समझ में नहीं आया, थोड़ा आप डिफाइन कर सकते हो क्या? मैं पूछ लेता जनता ने, आपका आया समझ में? जिन्ना समझ दो जनता इसमें कांग्रेस को आपने पूछो आप आपका और कुलदीप को चोट दो। जो जनता के जहन में है वही मेरे जहन में है, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है जनता शायद उसको समझ गई है। नहीं क्या पता मैं बीजेपी आया दौर जाऊं तो नूगा कांग्रेस का चोट कर दो, और कांग्रेस आया कहीं जाऊं तो नूगा बीजेपी का चोट कर दो। यो बता तो दो लोहा किसका है, चोट कौन सी साइड करनी है। चोट तो मैं मार सकूंगा और तो किसे भी लग देंगे।
तो ये प्रचार प्रसार तो बंद हो गया, ये प्रोग्राम आगे कुकर चल लगा आगे डोर टू डोर मैन टू मैन बंद थोड़ा होगा, मैन टू मैन करेंगे, वन टू वन तो करेंगे। क्या लगता है कितनी एक लीड दोगे? 20,000 की। 20,000 की? 20,000। थोड़ी बताइए जी। 20,000। आज मुख्यमंत्री जी आए हुए थे मनोहर लाल जी, कह रहे थे बोला जी भव्या बिश्नोई जी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, जो 25 साल का जो बनवास कटहनी सारे पूरे कर दूंगा 2 साल में। आप कैसे करेंगे? आप तो सत्ता से विरुद्ध हो। मुख्यमंत्री जी तो सर नाम भी कौन जान दे, भव्य ने देवा खवा है कौन विश्वास करेगा? आज के आदमपुर की जनता विश्वास कर रहे की मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे। नीलवित जी आए हुए थे, उन्होंने सीधा कहा जी भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर ना 3-4 केस चल रहे हैं, वो तो बस जेल के अंदर जाने वाले हैं, बस थोड़े दिन तक दिन गिन रहे हैं। आप 2024 के अंदर सपना ले रहे हो कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो नहीं मुख्यमंत्री बनते 2029 तक। अनिल भी हमारे मित्र हैं और वो गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, लेकिन जुडिशियल पावर उनके पास ना, उन्होंने जुडिशियल पावर लेनी चाहिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में को नए नहीं जाएंगे, इनके दादा इनके पिताजी देश की आज़ादी के लिए कितनी बार जेल में गए हैं, और ये देश के लिए प्रदेश के लिए अगर जेल जाना पड़ेगा क्योंकि वो पीछे नहीं हटेंगे। एक भी केस ऐसा नहीं है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सही हो, सारे राजनीति से प्रेरित है, किसी केस में हुड्डा साहब का नाम नहीं है, तो इसलिए उनको क्यों जाएंगे भाई अंदर? वो कुलदीप बिश्नोई थोड़ा भूपेंद्र हुड्डा रणवीर सिंह का लड़का है, जिसने अपने जवानी के दिन अंग्रेज की जेल में व्यतीत किए हैं। ये ऐसे डरने वाला व्यक्ति नहीं है, और फिर इनके साथ जनता है, देख लेना जनता का प्यार। 11 बजे शुरू कर रहा था, 10,000 लोग खड़े हुए ऐसा भी चलता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मैसेज देना चाहते हैं तो जयप्रकाश जी? मैं आदमपुर की जनता से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का भाषण रहा है, उससे आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 4-5 बातें कही, हमने आदमपुर का विकास किया। मुख्यमंत्री जी अगर आप और कुलदीप 5 महीने से इकट्ठे हो, आदमपुर का विकास करना चाहते, कम से कम ये सड़कों की कारपेटिंग तो करवा सकते थे 5 महीने में, जो खेतों में पानी पड़े वो तो निकलवा सकते थे, जो सीवरेज बंद पड़े है वो ट्रीटमेंट प्लांट चालू तो करवा सकते थे, जो गंदा पानी आता है उनकी पाइपलाइन तो 5 महीने में चेंज करवा सकते थे। आप लोगों का षड्यंत्र के तहत आपने इस इलाके के साथ बड़ी भारी दुभांत की है, और मैं आदमपुर की जनता से एक ही निवेदन करूँगा, आदमपुर की खुशहाली के लिए, आदमपुर के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश को वोट दें। यहाँ तक आप बार बार ये कह रहे थे ना, बोला वो तो सत्ता पक्ष में है, उसको तो 5-6 महीने लोगों ने देख लिया। मैं कहता हूँ कि पहले 6 महीने में जो सेशन आएगा ना, जयप्रकाश बताएगा कि जयप्रकाश एक विपक्ष के MLA होते हुए इस इलाके की आवाज़ विधानसभा में कैसे उठाएगा। और मनोहर लाल जी तो पकड़े जाएंगे, मनोहर लाल जी कह के 300 करोड़ रुपये मैंने खर्च कर दिए, कुलदीप को 550 करोड़ रुपये पाइप लाइन में, ये रुपये हैं कड़े, इनकी भी इंक्वायरी करवानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के कैंडिडेट यानी जयप्रकाश जी, और बड़ी अपील की है और बेबाकी से अपने सवालों के जो है जवाब आपके समक्ष रखे हैं। आपका क्या मानना है? दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। देखते रहे HR20 न्यूज इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।